हाँ भाई पब्लिक, अब भी मजे आ रहे हैं? दिल जिगरा नहीं है तुम लोगों का, जमीर मर गया है क्या? मतलब ये सुन के भी, अरे इससे अच्छा तो ओम प्रकाश को बुला लेते जिसने नंबर वन हिट बनाया। कैलिबर देख रहे हो गाने का? वैसे कोक स्टूडियो और इसमें अब ज्यादा फर्क नहीं रहा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कोक स्टूडियो जो हर साल अगस्त में रिलीज होता है, इस बार ना आया तो ऐसा लगा जैसे समथिंग्स मिसिंग। बट अनाउंसमेंट आई कि कोक स्टूडियो 2020 इज कमिंग इन दिसंबर, तो इतनी हाइप क्रिएट हो गई कि पूछो ही मत, और बेसब्री से हम सब आर्टिस्ट लाइनअप का इंतज़ार करने लगे। इस बार तो मुझे पक्का यकीन था कि यंग स्टनर्स विल बी अ पार्ट ऑफ इट, और फिर आई लाइनअप। अभी तक वॉयस आया? वॉयस किधर है यार? मतलब कि यार, कौन से नशे करके आप लोग आर्टिस्ट सेलेक्ट करते हैं? कुछ गिने चुने आर्टिस्ट जो एसोसिएट हो चुके हैं कोक स्टूडियो के साथ, लेजेंड्स और ग्रेट गाइज लाइक राहत फतेह अली खान एंड उमेर जसवाल, और फिर कुछ मीशा शफी जैसे लोग भी शामिल हैं। और अली भाई, चेक का क्या हुआ? कुछ न्यू आर्टिस्ट भी इस बार कोक स्टूडियो ने शामिल किए हैं। वेल, न्यू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इनके बारे में नहीं सुना, बट अगर आपने सुना हो तो। एक जमाना हुआ करता था ताज दारे हरम की ओपनिंग से लेके नबील शौकत का बेवजह, तेरा वो प्यार से लेके उस्ताद राहत फतेह अली खान का आफरी, दाने पे दाना से लेके बग्गा और बेग का मलंग तक, क्या लेजेंडरी सॉन्ग्स हुआ करते थे यार। और अब फॉल्स केस करने वालों को भी एंट्री दी हुई है। अगर पिछले कोक स्टूडियो के सीजन की बात की जाए तो वो जो असल टून सेट करता था वो होता था सीजन ओपनर, जिसमें आतिफ भाई एक सोलफुल परफॉर्मेंस देते हैं और कोक स्टूडियो का शानदार आगाज करते हैं। मगर इस बार का सीजन ओपनर कुछ यूं था। दिल मेरा, अब सीजन ओपनर ही जब इतना लेजेंडरी होता है और पहले ही कट में स्कैमर शफी आती है तो बंदा मजे कब लेगा। और उसके बाद जब थोड़ा हौसला जमा करके राहत फतेह अली खान की कवाली रीमेक सुने तो कसमे मेरा तो यही हाल हुआ। अब बात की जाए सेटअप की, तो इस बार का सेटअप अगर आपने देखा हो तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी डायरेक्टर के घर पे आंगन में ही महफिल लगा ली गई है, और जहां हर इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के आगे एक कैमरा रख दिया गया है और आर्टिस्ट भी अकेला खड़ा गाने गाए जा रहा है। मतलब कि यार, वो स्टूडियो वाली वाइब्स नहीं आ रही। अब बात हो यूट्यूब कॉमेंट सेक्शन की, और कोक स्टूडियो ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वो दो पड़ोसी जो हमेशा एक दूसरे की ले रहे होते हैं, मगर कमेंट सेक्शन में हर कोई अब कोक स्टूडियो वालों को ज्यादा नहीं बोलेंगे, लव है उनसे भी, बस जो एक्सपेरिमेंट करा आपने उसमें चस नहीं आई। तो बराए मेहरबानी पाजी का गाना जल्दी रिलीज करें, और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले गाने बेहतर होंगे। हैकर बॉयज आउट। कहां से आया मैं, कहां को जाना, ऐसी बातों पर जिक्र करूं या लिखूं गाना, मैं हूंगा तेरे से पर तू मेरे से हो जो दाना, मेरा यहां पे रब्बा कोई भी तेरे से बना, तेरा करम हुआ दोबारा हो या मत, तुझे बनाता मंजिल जो उसको तू मिलता राह पर, चुन ले मुझे भी तू सजदे करने वालों में, अगर किसी दिन भी था मैं सजदे करने वालों में, ये बातें महज बातें रह जानी है, भरे हुए बर्तन यहां रह जाने खाली है, पर्दा करते नहीं कैसे डाले जबानी है, सपना मेरा यही जी तू खुद से ये बाजी में।